हेलो वन वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट का जो एनुअल वैकेशन होने वाला है, तो क्या एनुअल वैकेशन में केसेस की सुनवाई होगी या नहीं, या और फिर एनुअल वैकेशन कब से कब तक है, तो इसकी जानकारी हम आज के वीडियो में हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें काउज लिस्ट को, हाँ, अगर आप नोटिस पर आते हैं, नोटिस में जैसे ही अगर आप नीचे आते हैं तो नोटिस में साफ साफ लिखा रहता है कि 23 मई से, जी हाँ, 23 मई 2022 से 19 जून 2022 तक जो है वो पटना का एनुअल वैकेशन जो है पटना हाईकोर्ट का वो कॉमेंस हो रहा है, वो शुरुआत हो रहा है 23 मई 2022 से 19 जून 2022 तक रहने वाली है। ठीक है, इस बीच में जो भी पटना हाईकोर्ट जो है वो क्या फंक्शन करेगा कि नहीं करेगा, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ अर्जेंट जो भी केसेज होते हैं, जैसे कि अर्जेंट सिविल केसेज हो या फिर कोई भी अर्जेंट क्रिमिनल केसेस हो जिसमें आपको इंजंक्शन लगाना हो या फिर स्टे लगाना हो, इस तरह के जो केसेस होंगे उसकी सुनवाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये सुनवाई कब से कब किए जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एनुअल वैकेशन होगा, जी हाँ, एनुअल जो वैकेशन होने वाला है 4 वीक का, तो 4 वीक में जो केसेज हैं वो केसेस की सुनवाई कब से कब होगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ फर्स्ट वीक में अगर आप देखें तो 23 मई यानी कि मंडे से लेकर के थर्सडे यानी 26 मई तक जो है वो कोर्ट वर्क करेगा। ये कोर्ट का जो टाइमिंग होगा, जी हाँ, एनुअल वैकेशन में जो कोर्ट का टाइमिंग होगा वो 8:30 बजे मॉर्निंग से 1 बजे दोपहर तक रहेगा। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको कोई अर्जेंट केसेस की सुनवाई करानी है तो आपको ये मेंशन स्लिप जो है वो कोर्ट जो है वो आपको 2:30 बजे तक टाइम देती है। इसके बाद है ना, यहाँ लिखा है द एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ अर्जेंट ऑर्डर, अगर आपको अर्जेंट ऑर्डर किसी में इशू कराना है ना, जो आप मेंशन कराए हुए थे उसमें कोई अर्जेंट ऑर्डर में इशू कराना है तो आपको 2:30 बजे तक टाइम देती है कोर्ट। 1 बजे के बाद से, 1 बजे के बाद से 2:30 बजे के बीच में जो है वो आप मेंशन करा सकते हैं, जिसमें अगले दिन जो है उसकी केसेस की सुनवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये 4 वीक का जो टाइम दिया हुआ है, तो क्या इसमें कौन कौन से केसेस सुने जाएंगे, ये आपको लिस्ट में साफ साफ यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बेंच बना दिया गया है, जी हाँ, बेंच बना दिया गया है ऑनरेबल जजेस का। यहाँ पे आप देखें तो उनके सामने साफ साफ लिखा हुआ है, तो ऐसे बेल मैटर सुने जाएंगे जो कभी नहीं सुने गए हैं, नेवर एवर टेकन अप, मतलब कभी उसको लिया नहीं गया, मतलब कभी उसकी बारी आई नहीं है, वो सारे बेल मैटर की सुनवाई होने वाली है। जी हाँ, तो ये अच्छी बात है कि बेल मैटर जो भी है वो सारे के सारे बेल मैटर, मैं पहले भी कह चुका, वो सारे बेल मैटर जो होते हैं वो अर्जेंट में ही आते हैं, अर्जेंसी में ही आते हैं, तो वो सारे बेल मैटर की सुनवाई जो होगी वो एज इट इज़ जो है वो होगी। लेकिन ये जो टाइमिंग है वो आपको याद रखना होगा, मॉर्निंग में 8:30 से लेकर दोपहर 1 PM तक जो है वो कोर्ट फंक्शन करेगा। और इस बीच जो देखें, अगर फर्स्ट वीक में देखें तो फर्स्ट वीक में देखें यहाँ कौन कौन से ऑनरेबल जजेस बैठेंगे, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे में, और ये कौन कौन से केसेस सुनेंगे इसके सामने यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर अगर आप देखें तो बेल मैटर के लिए ही बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। यहाँ देखिए बेल मैटर्स ये भी है आपको, है ना, यहाँ पे अगर देखें तो सारा जो भी है सीनियोरिटी वाइज जो है केसेस की सुनवाई होगी, जो कि कभी अभी नहीं लिया गया था। ठीक है, जो सीनियोरिटी वाइज से आपने फाइल करा है हाई कोर्ट में, उस सीरियली में ही जो है वो केसेस की सुनवाई होगी। ये तो था फर्स्ट वीक का, तो क्या सेकंड वीक में भी बेल मैटर की सुनवाई होगी, तो अगर आप लिस्ट में नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑनरेबल जजेस का यहाँ पे नाम लिखा हुआ और कौन कौन से केसेस सुनेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सारे अर्जेंट जो भी मैटर हैं, चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स हो या सिविल मैटर्स हो, इसकी सुनवाई होगी। और इसके साथ साथ जो भी बेल मैटर्स हैं, ठीक है, चाहे एंटिसिपेटरी हो या रेगुलर बेल मैटर्स हो, उसकी सुनवाई जो है वो सेकेंड वीक भी होगी। यहाँ पे सेकेंड वीक में जो है दो ऑनरेबल बेंच जो है वो ऑनरेबल जजेस जो है वो केसेस की सुनवाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थर्ड वीक में आए, थर्ड वीक में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ऑनरेबल जज जो देखते हैं आप, 3 ऑनरेबल जजेस देखेंगे यहाँ पे, सॉरी 4, और ये सामने सबका लिखा हुआ है कि क्या ये केसेस की सुनवाई करेंगे, तो जी हाँ, ये सुनवाई होगी बेल मैटर्स की, और ये भी सीनियोरिटी वाइज होगी। सीनियोरिटी वाइज मतलब जैसे आप की सुनवाई हो रही थी उसी सीनियोरिटी वाइज में सुनवाई होगी। हाँ, कोई अगर अर्जेंसी है तो वहाँ पे उस आपको जो है वो 1 बजे से 2:30 बजे के बीच जो टाइम दिया गया है उसमें आपको जाकर मेंशन करना होगा, और वहीं पे जो है वो आपको उस केसेस की सुनवाई कराई जाएगी। तो ये था। इसके अलावा अगर आप फोर्थ वीक का देखें तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाता है। तो अगर आप ओवरऑल बात करें तो हर वीक में अगर आप देखें तो बेल मैटर्स को ही अर्जेंट रखा गया है, बेल मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाएगा, जिससे कि बेल मैटर जो पेंडिंग हाईकोर्ट में है ना, जिनको कभी सुना नहीं गया था, उन सारे केसेस की सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो हालांकि कोर्ट तो बंद हो रहा है, लेकिन जो कोर्ट है ये इस बात को ध्यान दे रही है कि बेल मैटर जो भी होते हैं वो बेल मैटर्स की सुनवाई जो है वो रुके नहीं, वो लगातार जो है वो
चलता रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप ऊपर में आए यहाँ पे, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ऐसे जो भी क्रिमिनल अपील जो पुराने हो चुके हैं जिनमें कभी सुनवाई नहीं हुई है, अगर आप चाहें तो उसकी सुनवाई भी करा सकते हैं। क्रिमिनल अपील जिसकी सुनवाई नहीं हुई है, अगर आप चाहें तो उसकी सुनवाई करा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे अलग से नोटिस आया हुआ है, ये बहुत लंबा सा नोटिस है ना। इसमें अगर आप देखें तो ये 19 मई 2022 तक टाइम देती है, जिसमें कि आपको ये टाइम दिया गया है कि आप मेंशन करा करके उन सारे केसेस को, सुनवाई जो है वो 23 मई, जी हाँ 23 मई से 16 मई के बीच में उसकी सुनवाई की जाएगी, ठीक है। तो जो भी 30 साल या 30 साल से ज़्यादा पुराना केसेस हैं, वो उन केसेस को की भी सुनवाई की जाएगी, है ना। क्रिमिनल अपील जो भी है, चाहे वो DB का हो या SJ यानी सिंगल जज का हो, यहाँ पे क्रिमिनल अपील का भी सुनवाई किया जाएगा, जो 30 या 30 से ज़्यादा साल पुराने केसेस हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लिस्ट में अगर आते हैं आप ऊपर में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट जो है वो जो यूजुअल फंक्शन जो हो रहा था वो 23 मई से 19 जून तक बंद रहेगा। तो क्या फाइलिंग होगा कि नहीं इस बीच में? तो जी हाँ, फाइलिंग नहीं होगी। फाइलिंग नहीं होगी यानी कि आप फाइलिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फाइलिंग नहीं कर सकते हैं आप ऑनलाइन, तो कैसे फाइलिंग ही किया जाएगा? तो इस लिस्ट में अगर आप नीचे की ओर आएँ, यहाँ पे तो सारा आपको प्रोसीजर दिया हुआ है कैसे फाइलिंग करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें नोटिस में लिखा है, एज डायरेक्टेड प्लीज़ टेक नोटिस दैट द ई फाइलिंग पोर्टल सो एंड सो शैल बी रिमेन क्लोज एक्सेप्ट द ई फाइलिंग ऑफ अर्जेंट अलाउड मैटर्स ऑन मेंशनिंग थ्रू डेडिकेटेड ईमेल सो एंड सो ड्यूरिंग समर वेकेशन कमेंसिंग फ्रॉम 23 मई टू 19 जून। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम लोग ई फाइलिंग करते थे इस पोर्टल पे जा करके अपने केसेस की जो फाइल करते थे, है ना, नया केसेस है किसी का, उस केस को फाइल कराना है तो आप पोर्टल का यूज़ करते थे, ये जो पोर्टल है वो बंद रहेगा 23 मई से 19 जून तक बंद रहेगा। तो आप नए केसेस को फाइल कैसे करेंगे? तो आपको फाइल करने के लिए यहाँ पे पहले तो आपको मेंशन स्लिप के साथ जो है वो आपको केस को ई फाइलिंग यानी कि आपको मेल पे, इस पे आपको मेल पे आपको ईमेल भेजना होगा, है ना। आप अपना केस को रखेंगे पहले, सबसे पहले एक मेंशन स्लिप बना लेंगे। मेंशन स्लिप में पूरा डिटेल आप भरेंगे, क्यों अर्जेंसी है, क्यों आप फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप भरने के बाद जो है फिर वो इस ईमेल पे है, आप उसको भेजेंगे और उधर से अप्रूव हो जाता है, तो फिर आपके केसेस की सुनवाई जो है वो समर वेकेशन में हो जाएगी। तो ये था कि पोर्टल बंद हो रहा है ई फाइलिंग का, लेकिन ईमेल के द्वारा जो है वो अर्जेंसी है, जी हाँ, जो बहुत अर्जेंट मैटर हैं जो अलाउड होंगे, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो अर्जेंसी अलाउड मैटर्स ऑन मेंशनिंग, जो मेंशन करने पे अर्जेंसी माना जाएगा जिसको, वहाँ पे अगर आपको अलाउ करने को परमिशन मिलती है तभी आप इस ईमेल आईडी का यूज़ करके आप जो है वो फाइलिंग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था आज के स्टूडियो में, इतना ही। और इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो आप इस पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर आकर के यहाँ पर आपको डिटेल सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।